खबर है KK News 24। प्रधान ने खाद गड्ढे की भूमि में बनवा दिया सामुदायिक शौचालय। 95% निर्माण का रिपोर्ट पर संबंधित विभाग खामोश। खबर उत्तर प्रदेश के कुशीनगर के निगम नरंगिया से आ रही है, जहां हमेशा से अपने किसी न किसी क्रियाकलापों के चलते आए दिन चर्चाओं में रहने वाली निगम नरंगिया विकास खंड के ग्राम सभा लक्ष्मीपुर के ग्राम प्रधान ने इस बार खाद गड्ढे की जमीन में सामुदायिक शौचालय बनवा कर अपनी दबंगई या मनमानी का परिचय दिया है। बता दें कि जिला स्तरीय अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना करते हुए राजस्व के रिकॉर्ड में दर्ज घाटा संख्या 388/4 से डेस्मिन की भूमि जो खाद गड्ढे के नाम से दर्ज है, उस पर प्रधान द्वारा दबंगई दिखाते हुए 5.71 लाख रुपए की लागत से सामुदायिक शौचालय का निर्माण कार्य करवा दिया गया है। जिस खाद गड्ढे में ग्रामीण अपने मवेशियों के गोबर और घरों का कूड़ा करकट आदि डालकर किसान उपजाऊ गोबर की खाद बनाते थे, वहां पर अब घटिया स्तर के सामग्रियों से मानक विहीन शौचालय का निर्माण हो रहा है। जबकि जिला स्तरीय अधिकारियों ने खाद गड्ढे और खलिहान की भूमि पर इसका निर्माण कार्य नहीं करवाने की सख्त हिदायत दी थी, पर जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली कहावत को ग्राम प्रधान ने आज चरितार्थ साबित कर दिया है। उक्त गांव में जाकर जब हमारे पत्रकारों की टीम ने इसके जमीनी हकीकत पर तहकीकात किया तो अनेकों ग्रामीणों ने बताया कि ग्राम प्रधान ने अपनी दबंगई या मनमानियों के चलते सारे आदेशों को ताक पर रखते हुए खाद गड्ढे की जमीन पर घटिया स्तर की सामग्रियों से मानक विहीन शौचालय का निर्माण करवा दिया है। निर्माणाधीन शौचालय में ना तो कहीं पिलर पड़ा है और ना ही एस्टीमेट के मुताबिक इसकी नींव खोदा गया है। सिल्ट वाली सफेद बालू से निर्मित इस शौचालय में मोरंग बालू एक मुट्ठी भी नहीं डाला गया है। एल्यूमिनियम की जगह टीन वाले दरवाजे लगवा कर केवल कोरम पूर्ति किया जा रहा है। एक सरकारी आदेश जारी करके ये दिशा निर्देश दिया गया था कि किसी सक्षम अधिकारी की मौजूदगी में ही सामुदायिक शौचालय की छत की ढलाई का कार्य संपन्न होगा, पर ग्राम प्रधान ने इस आदेश का भी पालन नहीं किया और बगैर किसी सक्षम अधिकारी की मौजूदगी और बिना किसी मशीनी उपकरण का प्रयोग किए ही इसकी छत पर ढलाई का कार्य भी मनमाने तरीके से करवा दिया। घाटा संख्या 387 जो ठीक उसके बगल में स्थित है, उक्त विवादित भूमि की पैमाइश और सीमांकन करवाने में दर्जनों बार आए हल्का लेखपाल उस्मान गनी की खाद घटक कि जमीन में बन रहे सामुदायिक शौचालय का निर्माण कार्य को भी रोकना उचित नहीं समझे। इसके निर्माण के पूर्व घाटा संख्या 387 और 388 का पैमाइश और उसका सीमांकन आदि इनके ही द्वारा करवाया गया था। यदि स्पष्ट लफ्जों में यह कहा जाए कि खाद गड्ढे की जमीन में बनने वाले इस मानक विहीन शौचालय के निर्माण से पंचायती राज विभाग और राजस्व विभाग के कर्मियों की सह पर ही बनवाया गया तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। यहाँ तक कि स्थानीय ग्रामीणों की एक समूह ने खाद गड्ढे की भूमि पर घटिया स्तर के सामग्रियों से निर्माणाधीन मानक विहीन सामुदायिक शौचालय को अन्यत्र बनाए जाने की मांग की है। जिला पंचायत राज अधिकारी रघुवेंद्र द्विवेदी ने कहा है कि सार्वजनिक क्षेत्र जैसे खाद गड्ढा खलिहान आदि पर सामुदायिक शौचालय का निर्माण पूर्णतः वर्जित है और इस संबंध में गत जुलाई माह में सभी ग्राम सचिव और ग्राम प्रधान को पत्र भेजा जा चुका है। यदि फिर भी अगर इस तरह की शिकायत आ रही है तो जांच करते हुए उचित कार्रवाई संबंधित अधिकारियों और लोगों पर की जाएगी। देखिए ये रिपोर्ट। सामुदायिक शौचालय संचित भूमि खाद गड्ढा खलिहान में नहीं बनाया जाना है, वहीं बनाया जाएगा जो नवीन पट्टी होगा बंजर होगा, अन्यथा यदि कहीं और बनाया जाता है तो जो नियमानुसार होगा कार्रवाई होगी। और इसके संबंध में जुलाई माह में ही सभी प्रधान सभी सचिव को जो है पत्र जारी किया जा चुका है कि आप लोग संचित भूमि कार्य नहीं कराएंगे, नवीन पट्टी बंजर भूमि पर कार्य कराएंगे और निगुआ नौरंगिया ब्लॉक में कुशीनगर के निगुआ नौरंगिया ब्लॉक में ग्राम लक्ष्मीपुर में खिसरा नंबर 388 जो कि खाद गड्ढे की जमीन है उसमें सामुदायिक शौचालय प्रधान द्वारा बनाया गया है, इस पर किस तरह की कार्रवाई आपके द्वारा? मामला आपके द्वारा संज्ञान में लाया गया है, यदि उनका अवसर अनुरोध पर पूजन का चिन्ह बताया जाएगा और यदि उसके अंदर पाया जाएगा तो निगम का शायद चुनाव के लिए लिखने दिया है कि अब पंचायत चुनाव जल्द होने वाले हैं और उसके लिए तैयारियों के लिए भी जिला प्रशासन को और
अपने जनपद कुशीनगर में किस तरह की तैयारियां हो रही हैं और किस मानक के अनुसार ये तैयारियां सारी की जा रही हैं? पंचायती राज चुनाव के लिए भी मतदाता पुनरीक्षण का कार्य चल रहा है जो दिसंबर तक शुरू होगा। इसके बाद परिसीमन और भी शासन के निर्देशानुसार उनके द्वारा प्राप्त गाइडलाइंस के अनुसार जो है इसका काम किया जाएगा जो पंचायती राज एक्ट के अनुसार। अभी तक चुनाव संबंधित कोई भी पत्र या शासन से प्राप्त नहीं हुआ है। अभी केवल